नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं सरकार न्यूज लाइव। अभी सिवान शहर के फतेहपुर के शिवम बैटरी के पीछे एक आदर्श नगर जगह है, जहां पर एक टंकी में एक महिला का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। लोगों ने कई तरह की बातें, कई तरह के अफवाह है कि आखिर ये महिला का शव है यहां पहुंचा कैसे, आखिर ये सुनसान जगह है, महिला कहां की है ने अगर पूछताछ जारी किया तो पुलिस पूछताछ में भी पता नहीं चल पाया कि महिला कहां की है। और इस मोहल्ले के लोगों से भी बात हुई है, मोहल्ले से कोई महिला गायब भी नहीं है। तो आप देख सकते हैं प्रशासन की आला अधिकारी जो हैं हमारे साथ, पंकज ठाकुर जो भी अधिकारी हैं, छत पे ये अर्धनिर्मित मकान है जहाँ काम चल रहा है। इसी मकान के छत पे एक टंकी है और टंकी के अंदर ये शव है। लोगों में अफवाह है कि हो सकता है कि हत्या करके कहीं शव यहाँ पे टंकी में छुपाने के लिए, पहचान छुपाने के लिए लाया गया हो। ये तो पुलिस जाँच का विषय है, पुलिस जाँच करने के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर ये महिला का शव कैसे और कहाँ से आया। यहाँ पे हमारे साथ एक अधिकारी है, उनसे बात पता करेंगे कि उनको पता कैसे चला कि यहाँ पे शव है। लोगों ने सूचना कैसे आप लोगों को पता चला कि शव यहाँ पे, क्या पता चला? यहाँ के स्थानीय लोग सूचना दिए कि कुछ उस तरह का बॉडी लग रहा है। सर, पता चल पाया पूछताछ में कि ये बॉडी किसकी है, मोहल्ला का है कि नहीं? नहीं, अभी कुछ पता नहीं। अभी तो बॉडी के बारे में भी कंफर्म नहीं है कि बॉडी ही है, अब निकालने के बाद ही कुछ बताया जा सकता है। सर ने सही बताया कि बॉडी है, इतना तो पता चल गया है, नहीं चल पा रहा है, जांच चल रही है, जांच के बाद ही पता चल पाएगा। तो यहाँ पे जो कुछ लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनसे भी हम सब बिंदुओं पे बात करेंगे कि आखिर ये शव कैसे आया और कहाँ से आया, ये कौन सा मोहल्ला है। हमारे साथ एक अधिवक्ता हैं, इनसे बात करेंगे। सर, क्या पता चला है, कैसे पता चला कि यहाँ पे शव है? शाम को क्रिकेट खेलने जब बच्चे यहाँ पे आए, तकरीबन समय हो रहा था 4:30 बजे का, तो फिर उन लोगों ने देखा कि कुछ स्मेल टाइप का यहाँ से आ रहा था, तो उन लोगों ने हमें सूचना दी। तो फिर हम लोग यहाँ पे आए तो हम लोगों ने देखा कि एक शव यहाँ पे जो कि महिला का है, जो कि भुरके में है और बोरे से लिपटी हुई है। तो फिर इसकी सूचना हमने नगर थाना में दिया और सूचना के तकरीबन 20 मिनट बाद थाना यहाँ पे पहुँची और कार्रवाई में है, आप देख भी रहे हैं। जैसे ही उन्होंने बताया कि ये बोरे में है, तो भुरका में है और बोरे में है, तो हो सकता है कि इसी बोरे में महिला का शव लपेट कर इस जगह पे फेंका गया है। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे, इस मोहल्ले के लोगों से। मोहल्ले के लोग स्पष्ट बता पाएंगे कि आखिर ये महिला का शव, महिला इस मोहल्ले की रहने वाली हैं कि नहीं रहने वाली हैं, यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं वही बता पाएंगे। तो कैसे, क्या ये महिला इस मोहल्ले की हैं, कैसे कैसे पहुँचा शव, उनसे हम बात करेंगे। सब पहलुओं पर इसी मोहल्ले के हैं? हम इसी मोहल्ले के नहीं हैं। तो बहुत लोग हैं, दूसरे मोहल्ले के भी बहुत लोग हैं यहाँ पे देखने आए हुए हैं कि आखिर कैसे, क्या है, कहाँ से शव आया, तो पता करेंगे इस मोहल्ले के हैं। कैसे, क्या पता चला? ये हम सिलाई कर रहे थे, जब सुने कि वहाँ मर्डर हुआ है तो हम आए हैं, वही देख रहे थे कि भाई कहाँ हुआ, अभी तो हम लात भी नहीं देखे, समझे ना, इस तरह की बात है। जब सुन लिया है तो सभी लोग आए हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि बच्चे यहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं, जब क्रिकेट मैच चल रहा था तो दुगंध आई, तो उसी महक से लगा कि कुछ है ऊपर, तो जाके देखा गया तो एक महिला का शव टंकी में बोरे से लिपटा है। ऐसा लग सकता है कि मर्डर करके या हत्या करके बोरे में लपेट के शव को फेंका गया है। ये तो पुलिस जाँच का विषय है, पुलिस सब पहलुओं पर जाँच कर रही है। यहाँ पे करेंगे स्थानीय लोग हैं। भैया, क्या पता चला, कैसे आप लोग को पता चला कि शव टंकी में है? अरे भैया, दुर्गंध से ही मालूम चला कि टंकी में शव है। कैसे यहाँ पे आप लोग खेलने आते हैं? खेलने ही आते हैं, या 2-3 दिन में कोई घूमते घूमते भी आ जाते हैं लोग। तो आप लोग ऊपर चढ़ के देखे? हाँ, चढ़ के देखे हुए। तो कैसे, क्या पे हुआ, किस तरह, किस हालत में शव? अरे शव इस आदमी को बोरी में शव को लपटा गया, जैसे बाल दिख रहा है उससे, मतलब आशंका यही हो रहा है कि मतलब लेडीज का शव है। इस मोहल्ले की लेडीज है क्या? इस मोहल्ले की कहीं की मोहल्ला का कोई कैसे बॉडी है नहीं है, नहीं है। क्या लगता है कि बोरे में जो शव लपटा है, क्या लगता है कि बाहर से हत्या करके फेंका गया है या यहीं पे हत्या किया है या कुछ और? नहीं बता सकते भैया, ये नहीं बता सकते। बस यहाँ का लोगों का कहना है कि शव कैसे आया, कहाँ से आया, ये कुछ नहीं पता है, पर चहर के टंकी पे देखा गया तो शव जो है बोरे में लपटा हुआ है। तो आपको हम अभी ले चले हैं सिवान का ये फतेहपुर मोहल्ला है, जहाँ पर शिवम बैटरी के पीछे आदर्श नगर कॉलोनी है। इसी कॉलोनी में सुनसान खेत है और सुनसान खेत में यहाँ पे रात को भी कोई आ सकता है, कोई आ सकता है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। सो यहाँ पे हत्या हुई या हत्या करके यहाँ पे लाया गया, पुलिस जांच करके पूरे मामले की जल्द खुलासा करेगा। सिवान से अमित कुमार की ये रिपोर्ट।